हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आलू के चीले बना रहे हैं। ये चीले आप नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट करें। चीले बनाने के लिए मैंने दो मीडियम आकार के आलू लिए, इनको छील लिया और इनको पानी में डाल दिया ताकि काले नहीं हुए। लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक, चाट मसाला, काली मिर्च, ये शिमला मिर्च लिए, इससे तीखे नहीं बनते, रिफाइंड तेल। अब सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। हमने आलू को ग्रेट कर लिया है, अब प्याज को भी इसमें ग्रेट कर लेंगे। हमने आलू प्याज को ग्रेट कर लिया है, अब हम हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी निचोड़ देंगे इसका। हमें पानी नहीं रखना है बिल्कुल भी, आलू प्याज में पानी हो जाता है। अब सारा पानी निकाल देंगे एक्स्ट्रा। हमने एक्स्ट्रा पानी सारा था जो निकाल दिया है। अब हम मसाले डालते हैं इसमें। अब एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। चाट मसाला आधी चम्मच, लहसुन का पेस्ट, लहसुन के पेस्ट बहुत अच्छा बनता है, शिमला मिर्च, इनसे बिल्कुल तीखा नहीं बनेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये। अब कॉर्नफ्लावर लिया था, इसे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है इसमें। अब हम अच्छे से मिला लेंगे इसको। हमने अच्छे से मिला लिया है। अगर आलू में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला इसमें, इसमें आलू में पानी निकल जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा लूज़ हो जाए तो आप कॉर्नफ्लावर और डाल सकते हैं इसमें। अब चीला बनाने शुरू करते हैं। अब एक तवा लेते हैं, इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा तेल डालकर इसके ऊपर फैला देंगे हम। हमारा तवा गर्म हो गया है, अब हमने जो बैटर बनाया था वो चम्मच से थोड़ा डालेंगे हम इसके ऊपर। चम्मच से प्रेस कर देंगे इसके ऊपर, इसको फैला देंगे गोल साइज में। चम्मच से इसको थोड़ा पतला कर लेंगे, जितना आपको पतला रखना है उतना रख लेंगे। चम्मच से ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि पतला हो जाए। गैस को हमें मीडियम ही रखना है और थोड़ा सिकने पर हम पलट देंगे इसको। हमारा चीला थोड़ा सिक गया है, अब हम इसको पलट देंगे। चीला थोड़ा सिक जाए तभी पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाता है। धीरे से पलटेंगे इसको। अब अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे हम इसको। गैस को हम मीडियम लो कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। चम्मच से थोड़ा दबा देंगे ताकि अच्छे से सिक जाएगा ये। हमारा चीला दोनों तरफ से सिक गया है, अब हम प्लेट में निकाल लेंगे इसको। एकदम अच्छे से सिका है। अब दोबारा से हम दूसरा आलू का चीला बनाएंगे। अब इसको चम्मच से फैला देंगे।
ऊपर से प्रेस करते जाएंगे ताकि पतला हो जाए। अब इसको भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। हमारे आलू के चिल्ले खाने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी से ज़रूर चिल्ले बनाकर देखें, ये बहुत टेस्टी बनते हैं।